हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। दिस इज दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, और मैं दिखाएंगे मार्केट को कैसे रिसर्च किया जाता है। तो मार्केट जो एनालिसिस का मेथड होता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के कहाँ पे एंटी करना है, कहाँ हम बाय में जा सकता है या सेल में जा सकता है, तो कैसे आप एंटी करेंगे और कहाँ एसएल लगाएंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, तो उसका ऊपर भी हम दिखाएंगे इस वीडियो में। तो अगर यह वीडियो आप फुल पूरा देखें तो आपको कैसे रिसर्च करना, कैसे रिसर्च किया जाता है, उसको आप आराम से सीख सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं पहले पिवट पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज जो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल का पिवट पॉइंट 3650, फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंट 3717, सेकंड रेजिस्टेंट 3793, थर्ड 3860 एंड फर्स्ट सपोर्ट 3574, सेकंड सपोर्ट 3541 एंड थर्ड सपोर्ट 3413। तो आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल 4 आवर चार्ट, तो 4 आवर में देख सकते हैं आप कंटिन्यूअस मार्केट आ रहा है। तो अगर मार्केट ऐसा नीचे आ रहा है तो आप सपोर्ट थोड़ा निकालने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे हमने यहाँ पे इतना जूम इन कर दिया तो आप देख सकते हैं आप इसे कहाँ पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसलिए अगर आप मार्केट कंटिन्यूअस नीचे आ रहा है तो आपको नीचे का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल नहीं मिलता, तो आप पहले डेली में देखिए यहाँ पे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिला गया, तो यहाँ से हमें भी कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें अभी तक नहीं मिला। तो क्या करेंगे, हम वीकली का चार्ट देखेंगे। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है, राइट। 200 मूविंग एवरेज क्या है, ये एक सपोर्टिंग रेंज बना। तो क्या करेंगे हम 200 मूविंग एवरेज में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये रीजन लाइन क्यों यहाँ पे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मैंने यहाँ पे थोड़ा पॉइंट निकाल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले सपोर्ट हुआ था, रेजिस्टेंस हुआ था, राइट। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हुआ, इधर ब्रेकआउट किया, इधर भी एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे 1 ट्राई 2 ट्राई 3 ट्राई 4 5th ट्राई किया था तोड़ने के लिए ये लाइन में, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। और वो ट्रेंड लाइन कहाँ पे है, ये 200 मूविंग एवरेज वीकली में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिस वन, तो हमें क्या मिल गया, एक सपोर्टिंग जोन मिल गया। ठीक है, तो ये है हमारा सपोर्टिंग जोन, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पे देखेंगे ये सपोर्टिंग जोन मिल गया वीकली। तो हम देखेंगे डेली में सपोर्टिंग जोन कहाँ पे है, ठीक ये नीचे में, ये एरिया में। ठीक है, तो और एक बता दूं, यहाँ पे जो सपोर्टिंग जोन एक रहता है उसका एक बफर एरिया रहता है। बफर एरिया क्या होता है, तो हम अभी बफर एरिया कहाँ पे निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीकली ये जो थोड़ा नीचे ऊपर गया और एक ये थोड़ा जस्ट मोमेंट यहाँ पे एक पोर्शन हमें ये पोर्शन ज़्यादा इसको फैक्ट ब्रेकआउट हुआ था, इसका फैक्ट ब्रेकआउट हुआ था, राइट, ये पोर्शन। तो ये जोन वीकली में होता है एक बफर जोन, जो एक फैक पॉइंट। तो उसको क्या करेंगे हम, वहां पे एक ट्रेंड लाइन डाल देंगे हॉरिजॉन्टल। तो आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल पे ये जो कनेक्ट कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे, तो एक जोन मिला हमें, ये जोन होता है बफर जोन, ये जोन, राइट। अभी देख सकते हैं इसको हम बोलेंगे बफर जोन, ये जोन जो वो दोनों कनेक्ट कर दिया हमें, तो इसका अंदर में एक जोन मिला है, ये जोन हम कहेंगे इसको बफर जोन, राइट। तो अभी हमें बफर जोन मिल गया, हम आएंगे अभी डेली में।
तो अब देख सकता है ये मार्केट अभी कहाँ पे है, एक बफर जोन में है। तो लास्ट हमें ये एक सपोर्ट मिला 3450 में और ऊपर में मिला 3700। तो वीकली में जो हमें एक बफर जोन मिला, तो मुझे लगता है ये बफर एक्चुअली बफर जोन में क्या होता है मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। ये दो है, ये बफर जोन। बफर जोन में क्या होता है, माइस प्राइस ऐसे ही घूमता रहता है। तो ये जो एरिया है प्राइस, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ऐसा घूम सकता है, ये बफर जोन में है। तो ये जो जोन होता है इसको बोलता है प्राइस कंसोलिडेशन और इसको बोलता है साइडवे मार्केट, राइट। तो अगर मार्केट ये बफर जोन में आ गया तो मार्केट ये साइडवे में ऐसे ऐसा घूमता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो और नीचे भी आ सकता है, लेकिन कभी कभी ये बफर जोन क्या होता है यहाँ पे घूमता रहता है, नहीं तो बफर जोन में थोड़ा देर रुक के ये मार्केट फिर से ऊपर निकल जाता है। तो इसलिए जब बफर जोन में मार्केट आ जाता है तो इसके लिए थोड़ा बहुत आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो होता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। शायद मैंने अगले वीडियो में बताया था आपको क्या क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमको चेंज करना है, जैसे बफर जोन में घुस गया तो इसमें क्या करेगा, पहले ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत तोड़ेगा, फिर से नीचे आएगा, पहले लो को ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे, फिर से हायर को ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे, फिर से ये लोअर को ब्रेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे लोअर को ब्रेकआउट करके नीचे थोड़ा आ जाता है, जो ट्रेडर होता है सोचता है ये लोअर पॉइंट ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ से स्टार्ट सेलिंग, तो एक्चुअली क्या होता है फिर से मार्केट ऊपर निकल जाता है। तो ऐसे ऐसे घूम के एक जिगजैग, अगर आपको इलियट वेव का मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है इलियट वेव का, तो इलियट वेव का एक पैटर्न होता है उसको बोलते हैं जिगजैग पैटर्न, जो जहाँ पे कोई ट्रेंड या कोई हायर हायर लोअर लो कुछ नहीं फॉलो करता है, वो एक जिगजैग पैटर्न से घूमता रहता है। तो ये होता है एक्चुअली एक बफर जोन में हो जाता है, राइट। तो इसलिए ये बफर जोन में ट्रेडिंग जितना हो सके ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए, ट्रेंडिंग में ट्रेडिंग करना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे यहाँ तक एक ट्रेंड मिला, राइट, ये ट्रेंड से उसका बाद एक अभी आ गया बफर जोन में, तो बफर जोन में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये अभी जो मैंने दिया क्रूड ऑयल का डेली में एक बफर जोन में है और बफर जोन का एरिया है आपको 3732 to 3450, ये एक बफर जोन है, राइट। तो हम देखेंगे अभी 30 मिनट में, तो 30 मिनट में देख सकता है आप मार्केट स्टार्ट हो गया बफर जोन यहाँ से, राइट। आप देख सकते हैं ये क्यों हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर सोचता है यहाँ पे अभी मार्केट साइडवे, तो साइडवे क्या क्यों हुआ, ये बफर जोन में है, राइट। तो बफर जोन में है तो ऐसा भी मार्केट इधर ही थोड़ा देर रुक सकता है, ठीक है। तो अगर आपको एंट्री कहाँ करना है, जो अगर यहाँ पे ट्रेडिंग करना है, तो क्योंकि एक बफर जोन मिला, आपको देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट फुल्ली साइडवे, यहाँ पे ना कोई मूविंग एवरेज एक ही साथ घूम रहा है, तो ये और ये बफर जोन का दूसरा एक जो साइडवे का कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, और ये होता है कि आप प्राइस के आसपास ही घूमता रहते हैं। आप देख सकते हैं ये प्राइस के आसपास घूम रहा है, नॉर्मली मार्केट क्या होता है 200 मूविंग एवरेज, 150 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज ऐसा रहता है, तो उसका नीचे मार्केट ऐसा ऐसा घूमता रहता है, राइट। एक जैसे रेनबो जैसा होता है फॉर्म, ठीक है। तो उसका बाद क्या होता है यहाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट क्या हो रहा है, एक ही एरिया में घूम रहा है, तो ये पूरा साइडवे ऐसा ऐसा रह सकता है। तो ट्रेडिंग करना है तो जैसा लोअर पॉइंट में मिलेगा आपको बाय कर सकता है और अपर में सेल कर सकता है, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो ये और आप देख, आपको मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा दूँ, ये तो यहाँ से देख सकते हैं ये जोन, आप देखा ये जो मार्केट जैसे 200 150 150 20 एंड 5, एक का नीचे एक आ रहा है, ये जो रेनबो जैसा रेनबो होता है, रेनबो का स्टाइल में आ जाता है, तो ये ट्रेंडिंग मार्केट, ये आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में आ रहा है, राइट। तो इसका पहले आप देख सकते हैं ये अप ट्रेंड एक का ऊपर एक में है, ठीक है। तो आप भी क्या हो रहा है, अभी आप देख सकते हैं 5 मिनट में क्या हो रहा है, आप देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ना कोई ऐसा रेनबो पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये एक रेंज में घूम रहा है, तो मार्केट बफर जोन में अभी रनिंग हो रहा है। तो इसलिए आपको बाय लेना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3732 का ऊपर में बाय लेना चाहिए, और सेल लेना है तो
3450 का नीचे से आपको सेल लेना चाहिए। अगर आपको एंटी करना ऊपर मिले जैसे 3732 यहाँ पे मिला तो यहाँ से आप मार्केट नीचे आ सकता है, तो यहाँ से सेल लेना चाहिए, थोड़ा बहुत ऐसा लगाना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।